अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक और फलाही मंसूबे एहसास कफालत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने आज के खिताब में कहा कि डेटा बेस सिस्टम को मुअस्सर बनाने से 8 लाख ऐसे अफराद की निशानदेही हुई जो मुस्तहिक नहीं थे। पूरी दुनिया और दूसरी जानब अगर बात कर ली जाए कोरोना वायरस के हवाले से, तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में हमें कोरोना वायरस की एपिडेमिक या खौफ जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है, चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाली ये वबा, ये एपिडेमिक चाइना से अब निकलकर दुनिया भर में फैलती नजर आ रही है। अमेरिका, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत अब तक 20 ममालिक तक ये वायरस जो है पहुंच चुका है, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 9,690 अफराद अब तक मुतासर हो चुके हैं और चाइना में 213 अफराद इसी एपिडेमिक से हलाक हो चुके हैं, जबकि चाइना में इस मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद 5,974 तक पहुंच चुकी है। इस वायरस से 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मुतासर हुए हैं और पाकिस्तान से एजुकेशन की गर्ज से जाने वाले 500 मजीद जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त चाइना में फंसे हुए हैं, जिनकी जानिब से पाकिस्तान वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। फॉरन ऑफिस का कहना है कि हुकूमत चाइना से मौजूद चाइना में जो हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी हर मुमकिन मदद जो है उस चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन से मदद करने की बात की गई है और इस वक्त किसी मुल्क ने भी चाइना से लोग नहीं निकाले, जबकि अमेरिका और जापान की इतलात हैं कि उन्होंने अपने शहरियों को चाइना से इवैक्यूएट कर लिया है। हम अपने शो में कोरोना वायरस के इस एपिडेमिक के हवाले से भी जायजा लेंगे कि ये वबा आखिर कैसे फैलती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है, क्योंकि एक ग्लोबल इमरजेंसी जरूर डिक्लेयर कर दी गई है WHO की जानिब से। और हम इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ जो एनालिस्ट होंगी वो शेयर करेंगे जो कि चाइना में मौजूद हैं, उनसे हम ये तमाम इंफॉर्मेशन लेंगे। साथ साथ आगे चलते हुए हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस हवाले से क्या मेजर्स ले रही है और साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनल मामलात की भी हम बात करेंगे, जो कि पंजाब में अब तहरीक इंसाफ की एक अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की जानिब से आज जो है चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनका बयान आता है, मुतालबात ना पूरे होने का पर भी शिकवा किया जा रहा है। परवेज इलाही साहब जो हैं आज बड़ा खुलकर बात करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इत्तेहादी को सौतन नहीं समझना चाहिए, हुकूमत की एक कमेटी से मुजाकरात हुए तो अब दूसरी कमेटी बना दी गई है और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो भी आज मीडिया से बड़ा खुलकर बात करते हुए नजर आए हुकूमत और इत्तेहादियों के मामलात को लेकर के तमाम सूबों में इत्तेहादी हुकूमत से नाराज हैं। MQM को सोचना चाहिए कि वो क्यों तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने एक बार फिर MQM को ऑफर दी कि वो हमारे साथ शामिल हों ताकि कराची के अवाम के मसाइल हम मिलकर हल कर सके। दूसरी जानेब अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो वो एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऑपोजिशन की 5 पोलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ मूवमेंट जो है उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 5 फरवरी को वो स्टार्ट करेंगे अपनी इस एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट का। हम इन तमाम एस्पेक्ट्स का अपने आज के शो में जायजा लेंगे, डिस्कशन करेंगे और डिबेट भी होगी इन पर। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फरीद अहमद पराचा साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी हैं, उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीवर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गयान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें कुछ देर में स्काइप पर चाइना से ज्वाइन करेंगी जनाब जून अहमद खान साहब, खान साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कफालत एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह करते नज़र आए। इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो 200 अरब रुपए जो हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एलोकेट किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि डेटा बेस सिस्टम को अफेक्टिव बनाने से 8 लाख ऐसे अफराद की निशानदेही की गई जो कि डिजर्विंग नहीं थे। हम एग्जैक्ट सुनवा देते हैं आपको, व्हाट डिड ही से टुडे ऑन दिस, लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट। कामयाबी के लिए यह जरूरी था कि सबसे पहले हम वो सिस्टम डेवलप करें ताकि उन लोगों के पास पैसा जाए, और वो एक बड़ा तबका है जो मुश्किल से अपना घर में खाना नहीं दे सकते अपने बच्चों को, तो उसको उनके लिए ये पैसा जाना ये जरूरी था
कि हम पहले वो सिस्टम डेवलप करें, और वो जो आपने सिस्टम डेवलप किया है उसी सिस्टम में ये 8 लाख लोग बाहर हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कईयों की गाड़ियां थी, कोई बाहर दौरे कर रहे थे, वो ये पैसा ले रहे थे। इंशाल्लाह 2 हफ्ते में अगला प्रोग्राम आएगा हमारा एहसास का, उसमें हम अपनी गरीब तबके में वहाँ ख्वातीन को उनके लिए मसलन गाय भैंसें उनके लिए इस तरह की चीज़ें देंगे उनको ये अगले प्रोग्राम में, जिससे वो जिस तरह हम उन्होंने कहा कि एक खातून ने कहा मैं अपने बच्चे को दूध दे सकूंगी और बाकी दूध बेच सकूंगी। जी जैसे कि आपने वज़ीर आज़म का खिताब सुना, अगर आप लोग हमें इजाज़त दें तो हम यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब हुकूमत से ही शुरुआत करेंगे। ये बताइएगा कि ये जो आज का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कफालत एहसास या एहसास कफालत प्रोग्राम, ये BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ही रिवैम्प किया गया है, क्या उसी को रिवैम्प करके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये इन दोनों प्रोग्राम्स में फ़र्क क्या है? आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम बताया। आप देखें ये इंसान की एक लीडर की वीएन है और इसका एहसास है कि गरीब लोग जो हैं उन तक पैसा पहुंचना चाहिए, उनको रोज़गार करना है। आप देखें आपके सामने रिपोर्ट आई कि 8 लाख लोग ऐसे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, वेल ऑफ थे, वो डिज़र्व नहीं करते थे, और ये 8 लाख आप देखें कितने करोड़ अरबों रुपया पिछले 10 साल में ज़ाया हुआ है। इस तरह मैं आपको वो एहसास की बात है कि खान साहब ने कफालत एहसास और जो मोतमा इसकी हेड बनी है माशाल्लाह वो भी इंटेग्रिटी बाहर से छोड़कर आई हैं, और देखें इंशाल्लाह ये 200 अरब रुपया जो है ये जेन्युइन लोगों को जाएगा और इसमें जो सही लोग हैं उनको हमने रोज़गार बना अपने पाँव पे खड़ा करना है। इसी तरह दूसरा प्रोग्राम देखें कामयाब जवान शुरू किया हुआ खान साहब ने, उसकी 3-4 मैं खुद वो अटेंड करके आया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और इतना ट्रांसपेरेंट और इतना शफाफ कि वो इवन जो उसका सरबरा है उस्मान डार वो भी किसी आदमी को खुद कर्जा नहीं दे सकता जब तक वो पूरा साइफर होकर नहीं आएगा। इसी तरह ये कफालत एहसास का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह इसको भी ट्रांसपेरेंट, खान साहब का बार बार ये कहना और अपने वज़रा को अपने इन हेड को कि यहाँ मेरी भी सिफारिश नहीं चलेगी और लोगों को सही पैसा ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो गए। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपने लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए बिल्कुल साफ नहीं से काम कर रही है। इतनी देर का गन था पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं है, इतनी लूटमार होगी, अरबों रुपया बाहर चला गया, लेकिन ये आपको ये मानना पड़ेगा कि कम से कम खान साहब डायरेक्शन सही पे चल रहे हैं और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से एक कफालत प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पर फरीद अहमद प्राचा साहब, ये अब आज हम देखते हैं कि एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जाता है और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इस एहसास कफालत प्रोग्राम के अंडर जो है दो पॉजिटिव चीज़ें सामने आती है, एक तो ये कि ख़वातीन के बैंक अकाउंट जो हैं वो खुलेंगे और इन बैंक अकाउंट्स के खुलने से उनका पैसा चोरी नहीं होगा और आइंदा जो कार्ड्स हैं उसके ज़रिए यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी भी कर सकेंगी ये ख़वातीन जो हैं। अब ये BISP और एहसास कफालत प्रोग्राम क्या दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ही मजमूई तौर पर, हमने देखा था कि 1 लाख जो 40,000 सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने भी इस प्रोग्राम में इस्तेफादा किया, और फिर अब आज भी बताया वज़ीर आज़म ने कि तकरीबन 8 लाख जो गैर मुस्तहिक लोग थे वो इस प्रोग्राम को अब्यूज़ कर रहे थे। अब ये जो हमें इस वक्त 70 लाख फैमिलीज जो हैं वो माहाना 2,000 रुपये इस एहसास कफालत प्रोग्राम के अंडर लेती हुई नजर आएंगी, तो क्या आपको लगता है कि ये रिवैम्प BISP को किया गया है और इन बेटर डायरेक्शन किया गया है, उसको क्लींस करके साफ करके और अब जो है जो मुस्तहकीन हैं उनकी जानिब जाएगी जो उनको पहुंचानी चाहिए फाइनेंशियल हेल्प? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पहले मरहले पे तो यही कहूँगा कि एक अच्छा प्रोग्राम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, और इस लिहाज से कि गरीब आदमी यहाँ जिस हालत में है वो हालत इतनी तश्वीशनाक है, इतनी दर्दनाक है, अलमनाक है कि अगर आप किसी की भी बात सुनना शुरू कर दें तो आपको नज़र आएगा कि घर घर मातम कदे बने हुए हैं, एक एक घर में दो दो तीन तीन बीमार हैं, सेहत इलाज इतना महंगा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है कि बड़ा अच्छा है कि जी आप 2,000 रुपये दे रहे हैं, ज़कात फंड का भी एक पहले पूरा था, ज़कात कमेटियाँ बनती थी,
फिर उसके बाद बेनदीर इनकम सपोर्ट आ गया, फिर उसके बाद अब एहसास कफालत है। जोहरी फर्क क्या है? क्या वही अफसरान नहीं है? क्या वही सारा सिस्टम नहीं है? क्या यहाँ पर किसी को कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे करप्शन की है उनको क्या सजाएं मिली हैं? उनको क्या किस किस कटहरे के अंदर लाया गया है? कोई इसके बारे में खबर नहीं है। आइंदा क्या होगा? खुदा खौफी सिर्फ बचाती है। बाकी जितने प्रोग्राम हैं उसमें आप देख ले, अब ये ना कि ये वो आदमी है जो जहाँ पे कई ज़कात कमेटियों के चेयरमैन थे या ये बेनज़ीर इनकम सोर्स से मुतल्लक अफसरान थे, इनको अगर कोई आदमी जाके कहे कि ये मलक साहब, चौधरी साहब, मियाँ साहब, ये मैंने अपनी ज़कात निकाली है, तो मेरा ये ख्याल था कि आप सबसे मुस्तहिक आदमी हैं, तो वो आपको मारने को दौड़ेगा, वो आपकी बेइज्जती करेगा। लेकिन वही ज़कात फंड, वही रकूम जो है, वो उस पर डाका मारने को वो अपना हक समझते हैं। देखा, हम भी यानी जमात इस्लामी है। यहाँ पर सेनेटर ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं हमारे पास। ज्ञान चंद साहब, अब ये अभी फरीद अहमद प्राचा साहब ने भी एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेस किया है, और फिर हमारे सामने जो इतलात आई है उसके मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मजमूई तौर पर कलेक्टिवली 1,40,000 अफराद जो सरकारी मुलाजमीन थे जो कि मुस्तहिक नहीं थे, वो इसको जो है मिसयूज़ कर रहे थे, और फिर इन सरकारी मुलाजमीन में 17 ग्रेड एंड अबव तक के लोग जो हैं वो ये फंड्स निकाल रहे थे। तो अब ये आपको लगता है कि इसकी जो रीवैम्पिंग की गई है BISP की और इसको क्लीन्स किया गया है, और अब क्या बेहतर प्रोजेक्शन जो है वो सामने आएगी? तस्वीर भी हटा दी गई है बेनज़ीर साहिबा की, और कायदे आज़म की तस्वीर जो है वो भी इस प्रोग्राम में लगा दी गई है। देखें, इनका बुनियादी जो मकसद था वो वही था कि बेनज़ीर की तस्वीर हटानी है, वो इनको खटकती है, वो भुट्टो साहब से लेकर भुट्टो का नाम जो है ना इनको खटकता है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई बेनिफिशरी थे, काश उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, काश इसमें जो भी ब्लैक शीट थे उनसे साफ किया जाता। ये इतना बड़ा नंबर बताकर एक्शन क्या लिए? 22 ग्रेड के अफसर की अगर बीवी पैसे ले रही है, कौन सा 22 ग्रेड का अफसर इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की है? एक भी बताए। बिस्क के नाम ले रहे हैं कि बिस्क से कितने बंदे हैं जो इनसे बेनिफिशरीज है, कितने अफसरान को बिस्क से खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कितने बंदों को निकाला गया है? ये एक जबरदस्त प्रोग्राम, एक बेनज़ीर प्रोग्राम, उसको ये बदनाम करने की साजिश है, पीपुल्स पार्टी पे इल्जाम लगाने की साजिश है, जो पहले दिन से इन्होंने तय करके रखा है। हमें काम कोई नहीं करना, हमें अच्छाई कोई नहीं करनी है, जो पहले से सिस्टम मौजूद है या पहले जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे ही गंद फेंकना है। मैं पीपुल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि जिसने भी गवर्नमेंट मुलाजिम में या जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, गरीबों का ये पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे जो लोग हैं उनके पैसे पे जो पल रहा है और उससे बेईमानी कर रहा है उसको फौरी तौर पर। लेकिन फिर ज्ञान चंद साहब, सवाल तो ये भी उठता है कि जो आप इस मौजूदा हुकूमत को सजेस्ट कर रहे हैं वो आप खुद क्यों नहीं कर पाए? आप लोगों के अंडर, आप लोगों की नाक के नीचे जो है गैर मुस्तहिक अफराद जो है वो मुस्तहकीन के हक पर डाका डालते रहे, और आप लोगों की जानिब से इसको क्यों नहीं जो है वॉच किया गया? मैं यहाँ पर असलम घुमन साहब आपकी जानिब आऊंगी। अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट फेज होगा, वजीर आजम आज खुद बताते हैं, उसमें गाय, भैंसे और मुर्गियाँ दी जाएंगी, और इस किस्म के जो है शॉर्ट जो स्मॉल बिजनेस है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि रिफॉर्म्स ऐसी लाई जाएं और ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं कि जिनसे अवाम में एम्प्लॉयमेंट आप जो है उनके मौके बढ़ाएं? ये भी अच्छे इंसेंटिव्स हैं, दैट्स देयर। वेलफेयर स्टेट का ठीक है, रकूम तकसीम करने से जो है आप अवाम को अपने पाँव पर खड़ा नहीं कर रहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि वेलफेयर स्टेट का काम अपनी जगह, बट एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रोवाइड करना जो है मेन प्रायोरिटी होना चाहिए? बिल्कुल सही निशानदा की है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे काम होने चाहिए कि हम अब लोगों को अपने पाँव में खुद खड़ा कर सकें, उनको नौकरियां दे सकें, कारखाने चलें, प्राइवेट बिजनेसमैन आगे आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त आपको पता है जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है,
कि हमने कर्ज़ा जो हमारा ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसमें हमने आधे से ज़्यादा तो पिछले कर्ज़ा देने के लिए, तो खान साहब अपने वसात के मुताबिक हुकूमत के पास जो है उसको बड़े शफाफ तरीके से, जिस तरह मैंने पहले नाम लिया है कि कामयाब जवान प्रोग्राम है, वो उनको कर्ज़े बड़े साफन तरीके से दिए जा रहे हैं कि अपने पाँव पर खड़े हों, इसी तरह ये सास प्रोग्राम है, हम वो आपकी जो आपने निशानदेही की बिल्कुल उसी तरह खान साहब जा रहे हैं। जो ही मुल्क की मीशत बेहतर होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ कारखाने की लगेंगे, लोगों को नौकरी मिलेंगे, मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से इतना गंद इतने अरसे का, कल मैं असद निसार साहब का प्रोग्राम सुन रहा था, अरबों रुपए लूट मार के बाहर चले गए हैं और हम उनके कर्जे उतार रहे हैं। मछली खिलाएं, मछली पकड़ना सिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मूविंग ऑन, हम जो चाइना के शहर वुहान में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, अब ये एपिडेमिक चाइना से निकलकर दुनिया भर में फैलती नज़र आ रही है। अमेरिका, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत अब तक जो नंबर्स ऊपर जाते नज़र आ रहे हैं, 20 ममालिक तक ये वायरस जो है पहुँच चुका है, और जिससे एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक जबकि हम बात कर रहे हैं 9692 अफराद जो है मुतासर हो चुके हैं, और चाइना में इसी एपिडेमिक से 213 अफराद जो है अब तक हलाक हो चुके हैं। अभी तक चाइना में मुतासर अफराद की तादाद जो है वो 5974 तक इस वक्त पहुंच गई है। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त जून अहमद खान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जून अहमद खान साहिबा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for inviting me, Neelam. And obviously, just आपने जिक्र किया कि it's a very critical situation. और हमारे लोग पाकिस्तानी, 28,000 से ऊपर पाकिस्तानी चाइना में, including myself, इसके साथ साथ वुहान में भी 500 से ऊपर पाकिस्तानी students हैं. So obviously, we are affected by this growing issue. Hello. All right. जून ये बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तो उन्होंने इसको ग्लोबल इमरजेंसी जो है वो करार दे दिया है, क्या असल वजह ये नहीं कि चाइना में क्या हो रहा है, क्या कोई स्पेसिफिक लिविंग कंडीशंस है जिसकी वजह से ये जो है ये एपिडेमिक इसका आउटब्रेक हुआ है, और फिर इसको कैसे आप कंटेन करेंगे? ये तो दीगर ममालिक में भी अब जो है फैल चुका है, ऑलमोस्ट 20+ ममालिक जो है वो इसकी जद में नजर आ रहे हैं, तो ये आपको क्या, हम आपको पहले सुनवा देते हैं एग्जैक्टली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से क्या कहा गया है, एंड देन वी वुड आस्क आवर क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आई एम डिक्लेयरिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ओवर द ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening. जी जून, क्या बताइएगा ये, अब हमें तो ये भी इस वक्त तशवीश है कि ये कोरोना वायरस जो है, ये जो हमारा कमजोर निजाम सेहत है, हेल्थ सिस्टम है, उसके साथ साथ क्या ये दीगर मजीद और ममालिक में भी फैलेगा? पाकिस्तान बिल्कुल नेक्स्ट टू चाइना इस वक्त है, तो वहां पर क्या सिचुएशन है जहां पर आप मौजूद हैं, और ये एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ कैसे, क्या वजूहात हैं इसकी? नीलम, जो एग्जैक्ट कॉज है उसको अभी तक आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ऑब्वियसली कोरोना वायरस, जो कोरोना है ये कई वायरसेस हैं, एक फैमिली ऑफ वायरसेस है जो मैमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफर होते हैं, और जो कोरोना की और स्ट्रैंड हैं जैसे सार्स थी कुछ साल पहले, फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी था, ये एक ही फैमिली के वायरसेस थे। दुनिया में कहीं पे भी इस तरह का एपिडेमिक हो सकता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि चाइना के शहर में हुआ और ऐसे वक्त पे हुआ जब बहुत मोबिलिटी होती है, तो चाइनीज न्यू ईयर के दौरान इसके फैलने के ज्यादा चांसेस थे, विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अब जो यहाँ पे सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने 24 से इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर की है, इन द सेंस के हमें कहा है मास्क पहने, डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं लोगों को देखने के लिए, लोगों को कहा है कि सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाएं, इसका मतलब है कि 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि 2 हफ्तों के लिए आपके सिम्टम्स नहीं दिखते, इसका मतलब है कि समवन कोई कैरियर हो सकता है और लोगों को डिजीज ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो जानता नहीं होगा, तो 2 हफ्तों का पीरियड लोगों को कहा गया है कि आप अपने आप को अलहदा रखें। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली 60 मिलियन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है जो वुहान और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, तो इसमें ऑब्वियसली ढेर सारे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। चीनी हुकूमत ने 10 दिनों में 2 हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, उन्होंने साथ में जो एयर ट्रैफिक थी, जो ट्रेन्स थी, जो बसेस थी, उनको भी कंट्रोल किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी इनकरेज किया है लोगों को
ये जो वायरस है इसके फैलाव की कई वजूहात हैं, टाइमिंग इस तरह की थी, और ऑब्वियसली हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं, इसका मतलब है कि जो कैरियर्स हैं वो बहुत ट्रैवल कर चुके हुए थे जब इसकी इंटेंसिटी का और इसके स्केल का अंदाजा हुआ। तो चाइना ने WHO को शुरू से कहा था कि आप इसको ज्यादा सीरियसली लो। WHO ने दो दिन पहले इसको एज एन इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, और अब जो हमारी एज पाकिस्तानीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, और वहां पे उस सवाल के जवाब के लिए एब्सोल्युटली जून, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं और यही पूछना भी चाह रहे हैं कि अब चाइना में जो पाकिस्तानी सिटीजन्स फंसे हुए हैं उनकी जानिब से बार बार वतन वापसी का मुतालबा किया जा रहा है, उनकी जो फैमिलीज यहाँ पर हैं वो भी यही मुतालबा कर रही हैं, वजीर आजम के जो मावन खसूसी हैं डॉक्टर जफर मिर्जा वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो इसी रीजन का जो पूरा मफाद है उसमें बेहतरी यही है कि वहां से लोगों को ना निकाला जाए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी यही सिफारिश की गई है। एक तरफ हम मैं आपको अगर सुनवा दूं एग्जैक्टली व्हाट डिड जफर मिर्जा से टुडे ऑन दिस, लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू यू। ये एक नेशनल इमरजेंसी की सूरत हो सकती है ना, तो इस पे एक नेशनल यूनिफाइड एक्शन होना चाहिए, और इसलिए कता नजर यू नो सियासी इख्तलाफात के या कौन क्या है, इस पे हम एक पेज के ऊपर हैं और सब लोग इससे एग्री करते हैं कि वफाकी हुकूमत और वजारत सेहत की जिम्मेदारी है कि ऐसी सूरत हाल में वो हमें अपनी एडवाइजरीज दे, हमारे प्रोटोकॉल्स बनाए, हमारे SOPs बनाए, और एक SOP पूरे मुल्क में होना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि कराची में फॉर एग्जांपल जब लोग आना शुरू होंगे उसके बारे में हमने बड़ी तफसील के साथ ये तय कर लिया है कि जब लोग आएंगे तो हमने उनको कैसे स्क्रीन करना है। ये देखें जो आपको स्कैनर नजर आ रहा है ये सिर्फ उसका एक छोटा सा जुज्व है हमारी हिकमत अमली का। जी यहाँ पर जून आपने भी सुना हमारे जो जफर मिर्जा साहब हैं जो कि एडवाइजर ऑन हेल्थ है टू प्राइम मिनिस्टर, वो बता रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होने एक तरफ रखने चाहिए इस मामले को लेकर, वो नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक ही SOP होना चाहिए और प्रोविंशियल और फेडरल को एक पेज पर होना चाहिए। आपके मुताबिक ये फैसला सही है हुकूमत का कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनको फिलहाल पाकिस्तान नहीं लाना चाहिए? देखिए नीलम ये बहुत मुश्किल डिसीजन है, हम इस वक्त एक सिचुएशन में हैं, ऑब्वियसली जो लोगों की सेफ्टी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सेफ्टी उनकी कि वो सही हेल्थ में अपने रिश्तेदारों को भी रिस्क में डाले बगैर उनको भी जो बेहतरीन सहूलियात जहाँ पे मैसर हैं वो वहाँ पे हों। मैं जानती हूँ कि उनके लिए सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, मैं खुद चाइना में हूँ, बेतहाशा स्टूडेंट्स और लोग जो जॉब्स कर रहे हैं पाकिस्तानी और मुल्कों के वो चाइना में हैं, लेकिन जो सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी हुकूमत की है इस वक्त और हमारी भी होनी चाहिए, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ये कन्वे करें कि आप एक मुश्किल सिचुएशन में ऑलरेडी सब हैं, अब उससे सोल्यूशन सिर्फ स्टूडेंट्स को यहाँ लाना वापस नहीं होगा, उनको बेहतर हालात में लाना सोल्यूशन है, और इसके लिए हुकूमत सब चीजें कर रही है। इस पे आज काफी स्टेटमेंट जैसे आपने खुद भी सुनाई जारी की गई हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को हौसला भी दें, चीनी जो सिस्टम है वो जिस तरह इन्वेस्ट करा है, जो उनकी कैपेबिलिटी है इस वक्त इस इश्यू के साथ डील करने की हमारी और बल्कि और किसी भी हुकूमत की नहीं है, तो हर लिहाज से हमें चाहिए कि उनकी और जल्द हम क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से दूर हैं असल में ये स्ट्रेस है उनको, तो उनके साथ उनको हौसला दें, कम्युनिकेशन रखें, उनकी जो सिचुएशन है जो खाना पीना उनको सब कुछ मैसर है उस पर भी उनसे रब्ता जारी रखें, और साथ में अपनी कैपेसिटी जल्द से जल्द बिल्ड करें कि वो अपने घरों को वापस आ सकें। ऑलराइट यहाँ पर हम फरीद अहमद पराचा साहब आपकी जानिब आएंगे। अब इसी कोरोना वायरस को लेकर अपोजिशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो चाइना में फंसे पाकिस्तानी हैं उनको वतन वापस लाया जाए। सेनेटर मुशाहिदुल्ला साहब कह रहे हैं कि चीन में पाकिस्तानी एम्बेसी में कोई फाल अफराद नजर नहीं आ रहे हैं, इस फैसले का क्या जवाब है कि हमने चाइना से अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं करवाया, और चाइना में जो है चीन में क्या कारोबार हो रहा है, माशी सूरत हाल से हम
جو ہے کس طرح سے متاثر ہو سکیں گے اس تمام ایپیڈیمک کو بھی لے کر. لیکن اگر نمبرز کی ہم بات کر لیں تو 28,000 سے 30,000 جو ہیں وہ ایوریج اپروکسیمیٹلی پاکستانی سٹیزنز آل اوور چائنا موجود ہیں. اور پھر ووہان کی اگر بات کر لیں جہاں پہ یہ ایپیڈیمک آؤٹ بریک ہوا ہے, وہاں پر 500 اسٹوڈنٹس ہیں, جن اسٹوڈنٹس میں سے کچھ کی فیملیز بھی ان کے ساتھ ہیں, تو آل ٹوگیدر ووہان میں کاؤنٹ اپروکسیمیٹلی 800 افراد کے آس پاس آ رہا ہے. تو یہ کیا یہاں پر اپوزیشن کا یہ مطالبہ آپ کو ویلڈ لگ رہا ہے گیون دا سینیریو, گیون دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وارننگز, اور پھر آبویسلی چائنا بیٹر میڈیکلی اکوپڈ ہے اس کرونا وائرس کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ نیلم, یہ ٹھیک ہے کہ ان کو ان خاص طور پر جو اس شہر کے اندر موجود ہیں طلبہ پاکستانی, ان کو واپس لانا چاہیے. یہاں مائیں تڑپ رہی ہیں, وہاں وہ تڑپ رہے ہیں, اور صورت حال یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک نے اپنے طلبہ کو اس طرح سے, جن میں امریکہ بھی ہے, جاپان بھی ہے, انہوں نے واپس لیا ہے. احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی اس سے متاثر ہو چکا ہے تو اس کے لیے وہاں ہی علاج کو ترجیح دی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں لا کر ان کو قرنطینہ کے اندر کچھ مدت رکھا جائے, اور وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن نہ, یہ احساس تو کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے طلبہ ہیں, ہماری طالبات ہیں, یہ سب آج کس حالت کے اندر ہیں. میں دو باتیں اور بھی آپ سے عرض کروں گا کہ یہی وقت ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے ہاں کیا حالات ہیں علاج کے, کیا حالات ہیں حفظان صحت کے. یہاں گندا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہیں, یہاں وائرس کے پھیلنے کے امکانات بے پناہ ہیں, اور اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو کیا ہم نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اس طرح سے کہ جیسے ہو؟ پھر دو باتیں اور صرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں, اور یہ اسلامی طرز معاشرت ہے جو کھانے پینے کے اندر بھی حلال و حرام اور حلالا طیبا, یعنی حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو, اس کی شرط لگاتا ہے. اور اسی طرح سے جو طہارت کے اصول ہیں, پہلے زون احمد صاحبہ, ٹھیک, فرید احمد پراچی صاحب آپ کا پرسپیکٹو آ گیا. زون, یہ بتائیے گا کہ اب یہ آپ کی نظر میں جو افراد چائنا میں ہیں پاکستانی سٹیزنز اور جو اس وائرس سے افیکٹو نہیں ہوئے ہیں, انہیں وطن نہ لانا زیادہ بہتر ہے؟ دیٹس واٹ یو آر سجیسٹنگ. نیلم, میں خود یہاں پہ ہوں, میرے آفس نے کہا ہوا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر یہاں رکیں, ہمارے پاس سہولیات ہیں. اگر کوئی ان کیس کسی کو وائرس ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈاکٹرز ریڈی ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے 24/7, جیسے میں نے پہلے کہا. دوسری چیز یہ کہ ہمیں نہیں پتا, جو لوگ ابھی تک سمپٹمز نہیں شو کر رہے ان کو ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. سو آبویسلی جو ووہان میں ہیں ان کو کوارنٹائن میں رکھنا پڑے گا پہلے, ابھی وہ آلریڈی ایک کوارنٹائن اسٹیٹ میں ہیں لحاظ سے. پھر جن ممالک نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کیا ہے, وہ کوئی ان کو 2 دن کے لیے کوارنٹائن کر رہا ہے, کوئی 6 دنوں کے لیے, کوئی 10 دنوں کے لیے. یہ کہیں سے بھی اتنے ریکمینڈیڈ پالیسی نہیں ہے, یہ ڈیزیز مزید پھیل سکتی ہے. دنیا کو اس کا مطلب, ہم اکانومی کی بات کریں, صلاحیت کی بات کریں, ایک دنیا میں جب ایک ڈیزیز مزید پھیلتی ہے تو اور لوگ اس سے اور لوگوں کو اثر ہوگا, جس کی وجہ سے WHO نے اسپیسیفک گائیڈ لائنز دی ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمیں ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور جلد از جلد ایسے حالات کریٹ کرنے چاہیے کہ ان کو اپنے گھر واپس لایا جا سکے. آخری کوسچن, دین وی ول موو آن. یہاں پر آپ مطمئن ہیں جو چائنیز ایڈمنسٹریشن کی جانب سے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں پاکستانی سٹیزنز کو؟ یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے, سینیٹر مشاہد اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا میں پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پہ کوئی فعال افراد نظر ہی نہیں آ رہا. تو کیا مطمئن ہیں آپ جو وہاں پہ افیکٹو میجرز لی جا رہی ہیں, چاہے چائنیز ایڈمنسٹریشن ہو یا ہماری ایمبیسی ہو, وہ پاکستانی سٹیزنز کو فیسلٹیٹ کر رہی ہے اس کرونا وائرس کو لے کر؟ دیکھیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے, ان کا ڈیلی مینڈیٹوری چیک اپ ہو رہا ہے, ان کو ایک سیف زون میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ وہ کوارنٹائن میں ہیں, ان کو کھانا ہائیجینک دیا جا رہا ہے 24/7, ان کے پاس یہ فیسیلیٹیز ہیں کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سمپٹمس شو کرتے ہیں تو اسی وقت کوالیفائڈ ڈاکٹرز ان کو آ کے ٹیسٹ کریں گے. اور میرے بھی دفتر نے مثلاً لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو
आप ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है। और यहाँ पे मैं पर्सनली बताऊं तो बहुत ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाय चॉइस चाइना में सक रह रहे हैं जब तक ये चीज थोड़ी सी काम डाउन नहीं हो जाती, जो कि एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ये पीक करेगी और फिर वहां से बेहतर जाएगी। सो सैटिस्फैक्शन इट्स डेफिनेटली मेकिंग द बेस्ट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और इसमें मैं कहूंगी कि बाकी चीनी हुकूमत ने जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने 100% से भी ऊपर, जैसा आपने खुद जिक्र किया, अपनी एफर्ट डाली है कि लोगों के लिए एक जितनी भी बेहतर हो सके सर्कमस्टांसेस वो क्रिएट किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जून हमें ज्वाइन करने का, स्टे सेफ, आपको यही कहा जाएगा। दूसरी जानब हम ज्ञान चंद साहब आपके जानब आएंगे। अब ये इस तमाम मामले को लेकर कोरोना वायरस जो है ऑब्वियसली इट्स एन एपिडेमिक, आउटब्रेक हुआ हुआ है, अब ऑपोजिशन जो है वो मुतालबा कर रही है कि चाइना में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाए। हम मेडिकली इक्विप्ड है नहीं पाकिस्तान में, और हम अगर उन अफराद को लेकर आना चाहते हैं, और अभी जून बता रही कि अक्सर मोस्ट ऑफ देम तो वो खुद भी नहीं आना चाह रहे, दे आर फीलिंग बेटर सेफ ओवर देयर, तो ये फिर ऑपोजिशन क्या वाकई में इस ग्लोबल एपिडेमिक को लेकर भी सियासत करती नजर आ रही है इस इशू पर? ज्ञान चंद साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज, हमारा कॉन्टेक्ट जो है डिस्कनेक्ट। जी ज्ञान चंद साहब क्या फरमाइएगा आपने अगर मेरा सवाल सुन लिया हो तो? देखें मैं काफी हद तक बाकी जो हमारे साथी हैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है कि अगर उनको लाएं और खुदा न खासा उनको वायरस उनको अटैक किया हुआ है तो उनको जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे मिल रही है या जो फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है वो जहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है, हमें वो करनी चाहिए क्योंकि वो वायरस यहाँ पे भी फैल सकता है, तो हमें पहले तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद हैं उनका हाल अहवाल रखना, वो हमारी एम्बेसी जो मौजूद है उसको इफेक्टिव होना चाहिए, वो नहीं है। बाकी मुल्कों ने अपने स्टूडेंट्स को या इस किस्म के जो स्पेशली स्टूडेंट्स को बाकी दुनिया के काफी मुल्कों ने निकाल दिया है, तो कम से कम हमें वो ऑप्शन तो ऑफर करना चाहिए कि भाई जो भी वापस आना चाह रहे हैं और वो उस थ्रेट में खासतौर पर वुहाना में जो है वो तो उस मुकबल तौर पे इस वायरस के थ्रेट पे है, तो उनको वापस लाने के लिए यकीनन तैयारी करनी चाहिए। अगर तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें कोई हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी को ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए और अवेयरनेस लेवल भी जो है इधर पाकिस्तान में जो फैमिलीज हैं उन स्टूडेंट्स की उनको भी मुतमईन होना चाहिए, उनको भी अवेयरनेस लेवल लाना चाहिए कि इट्स बेटर अगर ये स्टूडेंट्स जो हैं और जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो चाइना में इस वक्त रहे, बिकॉज चाइना इज बेटर मेडिकली इक्विप्ड टू हैंडल कोरोना वायरस, हम शायद अभी उस लेवल पे इक्विप्ड नहीं है। लेट्स होप कि अगले चंद रोज में जो क्योर जिसकी बात हो रही है वो शायद इसको ओवरकम करता नजर आए। वी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। मूविंग ऑन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाएंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब आपसे शुरू करेंगे। आपके इत्तेहादी आपसे इंतहाई नाला नजर आ रहे हैं और पंजाब में जो आपके सबसे बड़े अलायंस हैं मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने एक बार फिर हुकूमत से अपना बड़ा खुलम खुला नाराजगी का इजहार कर दिया है। आज परवेज इलाही साहब जो हैं उनका बड़ा बोल्ड बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी को सौतन नहीं समझना चाहिए और उन्होंने एक हकूमती कमेटी से मुज़ाकरात, वो कह रहे हैं कि जब कामयाब होने लगे तो दूसरी कमेटी बना दी गई है, हमसे जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए। मैं एग्जैक्ट आपको सुनवा देती हूँ, व्हाट डिड ही से टुडे ऑन दिस एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। जो नई कमेटी बनाई है इससे पहले हमारा एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, दोस्तदार साहब ने किया और फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी जो परवेज खटक साहब की सरबराही में जहाँ तरीन साहब थे। अब ये पता चला है कि एक नई कमेटी आ गई है और वो कमेटी जो है मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि एक बुल्ले शाह का शेर है, ना अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जावा विचली तो। हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। इत्तेहादी को अपना समझ के चलना जो है वो ही सूदमंद होता है और इत्तेहादियों को सौकन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। कोई अगर नुकसान होता है खुदा नखास्ता हुकूमत को।
जी असलम गुमन साहब, क्या फरमाइएगा? चौधरी परवेज इलाही तो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी को सौतन नहीं समझना चाहिए, एक हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब होने लगे तो दूसरी कमेटी बना दी गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि रिटन एग्रीमेंट में जो वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। ये हो क्या रहा है आखिर, क्यों हुकूमत कमेटी दर कमेटी बनाती नजर आ रही है? चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम लीडर हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, और उन्होंने खुद भी कहा है कि अगर पार्टी को नुकसान पहुँचता है या ये कामयाब नहीं होते तो हमारा भी नुकसान है वो, और इस को हुकूमत को पूरे 5 साल भी पूरे करने चाहिए। नाराज़गियाँ होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं, इनकी रिजर्वेशन है, वो ज़रूर हल करेंगे, इसलिए खान साहब ने कमेटी बनाई है। और क्योंकि 3 जमातों के साथ डील कर रहे हैं हम, पीपल उसके साथ, MQM के साथ, इधर काफ लीग के साथ, इस तरह बलूचिस्तान में भी, तो खान साहब ने कमेटियाँ बनाई हैं, उनकी कोई वजह होगी, वरना हम ये ना हमें छोड़ेंगे ना हम इनको छोड़ेंगे। चौधरी साहब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, मैं ये हमारे बहुत मजबूत इत्तेहादी है, और हमें जिस तरह चौधरी शुजात साहब ने कल भी कहा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये पूरे 5 साल करें, इनके जो मशवरे हैं जिनकी अच्छी बातें हैं उनको ज़रूर खान साहब मानेंगे। खान साहब शौकन वाला किसी के साथ सलूक नहीं करते, वो बड़ा ओपन माइंडेड है, वो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, और काफ लीग का भी यही मिशन है कि पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर हो। और प्राचा साहब, ऑल राइट, फरीद अहमद प्राचा साहब, अब ये हमारे सामने पहले कमेटी में वो बता रहे हैं कि परवेज खटक जहांगीर तरीन थे, अब ये गवर्नर पंजाब CM पंजाब शफकत महमूद हैं, वो कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाती है फिर उसमें कमेटी डाली जाती है, तो ये जो ग्रीवेंसेज हैं अभी तक खामोशी थी चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से, आज वो बड़ा खुलकर बोले हैं। जो मुनस इलाही हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये सब साबोटाज कर रही है, अपने आप को खुद ही तबाह कर रही है, तो ये आखिर वजह क्या होती नजर आ रही है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो सबसे बड़ा एलाय है मुस्लिम लीग काफ के सहारे पर ही ये हुकूमत खड़ी है पंजाब में, और मुस्लिम लीग काफ के ही मुतालबात नहीं पूरे कर रही, या उनके मुतालबात में शायद वो लोग अब आउटडू कर रहे हैं? लेकिन नीलम में एक बात तो यह है कि ये मांगे तांगे के चिराहों से रोशनी नहीं होती। आप इंतखाब से पहले आपने ये कंप्रोमाइज़ शुरू किए, और आपने जो है वो इलेक्टेबल्स के नाम पर हर तरह के अफराद आपने कबूल किए। अब यह है कि यही चीज़ें आगे भी चलेंगी, आपको इसी तरीके से जब आप आएंगे तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये इत्तेहादी सियासत जो है ये नाप तौल के इशारी निज़ाम से नहीं चलती, ये खुले दिल से चलती है, एहतराम से चलती है, दूसरे की इज्जत करने से होती है। अगर आप जो है वो, मैं तबसरा नहीं करूँगा कि तसरात लोगों के क्या हैं PTI की क्यादत के बारे में, लेकिन अगर आप जो है वो दूसरों का एहतराम न करें, इज्जत न करें, तो तीसरी चीज़ है कारकर्दगी। कारकर्दगी हर चीज़ को दबा देती है। यहाँ पंजाब में क्या कारकर्दगी है? अभी आप एहसासे कफालत प्रोग्राम की बात कर रही थी, तो सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत तो न आती अगर महंगाई ख़त्म होती, बेरोज़गारी ख़त्म होती। यहाँ हर एक चीज़ को आग लगी हुई है और कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मुआशरे के अंदर करप्शन की कमी नहीं है, यानी उसमें कमी नहीं आई, और ना ही कहीं पर कोई इस्लाह का काम हमें किसी सतह पे नजर आता है। इन्फ्लेशन का, बिजली गैस पेट्रोल की प्राइस हाइक का, लेकिन आज जो नजर आ रहा है वो इत्तेहादियों का इशू नजर आ रहा है। हम अगर ज्ञानचंद साहब आपकी जानिब आ जाएं, तो बिलावल भुट्टो जो हैं सिंध की जानिब अगर जाएं, तो वहां बिलावल भुट्टो भी बड़ा एग्रेसिव बयान देते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि MQM हुकूमत का साथ क्यों दे रही है जो उनके मुतालबात ही हल नहीं कर सकते, और उन्होंने एक बार फिर ऑफर कर दिया MQM को अपने साथ शामिल करने का। हम आपको सुनवा देते हैं, व्हाट डिड ही से, एंड देन वी विल गेट बैक टू द डिस्कशन हियर। जहाँ तक कराची के अवाम के मसाइल हैं और जहाँ तक MQM के मुतालबात हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हो, चाहे वो पुलिस के हो, अब तक तो वफाकी हुकूमत उन पर पूरा अमल नहीं की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान काफ़ी जी, ये बिलावल भुट्टो बार बार हम देख रहे हैं कि MQM को शामिल करने की ऑफर कर रहे हैं, तो डज ही रियली मीन दिस, या ये उनका सिर्फ एक सियासी बयान समझा जाए? हमेशा आप ये कहते हैं कि जिसका जो मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए। MQM का एक कराची शहर में से मैंडेट है, उसको हम तस्लीम करते हैं। वो बड़े
بڑے شوق سے چلے گئے تھے تبدیلی سرکار کی طرف کہ بھائی ہمارے مسائل کا حل وہیں سے ہوگا، جو اب نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ صرف انکم کا نہیں ہے، پورے ملک میں جو مہنگائی کی آپ نے بات کی اور ان کا جو رویہ ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، وہ نہ صرف سندھ کے ایم کیو ایم سے، پنجاب کے چودھری جو بات کر رہے ہیں اور بلوچستان سے جو ہمارے مینگل صاحب بات کر رہے ہیں، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس وہ وزڈم نہیں ہے کہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے سکے۔ صرف اتحادیوں کی بھی بات نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو گروپنگ ہوئی ہے، تو بلاول صاحب یہ ایک ڈیموکریٹکلی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کراچی کی ویسے بھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا وہاں پہ مینڈیٹ ہے، آپ آئیں گے تو ذرا بہتر طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ باقی چیزیں جو ہیں اس کے اس گورنمنٹ سے، پی ٹی آئی سے، صرف یہی ہو سکتا ہے کہ الزامات لگائے۔ لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دو ڈیکیڈ سے تقریباً ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا سندھ میں ایک آن اینڈ آف ریلیشن شپ ہی چلتا نظر آیا، اب ایسا کیا ڈفرنٹ ہوگا؟ کیا بلاول صاحب جو ہیں ایسا کیا ڈفرنٹ آفر کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ دس ٹائم جو ہے دے ول میک اٹ ورک؟ لیکن کوئکلی ہم یہاں پر اسلم گھومن صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ اب اس وقت ہم نے آپ کے سامنے سندھ کی سچویشن بھی رکھی، پنجاب کی بھی رکھی، آپ کے ایل آئیز آبویسلی وہ آپ سے ناخوش نظر آ رہے ہیں، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں صلاحیت ہی نہیں ہے اتحادیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی۔ اب کیا حکومت وفاق جو ہے فیڈرل اس پوزیشن میں ہے کہ آپ افورڈ کر سکیں اپنے ایل آئیز سے ہاتھ دھونے کا؟ آپ کو obviously ان کا سپورٹ چاہیے، تو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان ایلائز کے مطالبات پورے نہ کرے؟ پہلے بھی پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کتنی دیر کٹھے رہے ہیں، انہوں نے ان کے وعدے پورے نہیں ہیں۔ کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے، سندھ کی حالت آپ کے سامنے ہے، ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہی رہے گی، پی ٹی آئی اسرا چودھری صاحب بکافلی بھی ہمارے ساتھ رہے گی، ان سے بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ اتنا گند پڑا ہوا تھا معیشت کا، یہ آتا اس کو ان کو۔ اسلم گھومن صاحب، فرید احمد پراچا صاحب اور گیان چند صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، اس سب کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی ایک بار پھر اپوزیشن کی پانچ جماعتوں کو، پختونخوا، میپ، نیشنل پارٹی اور جے یو پی اور قومی وطن پارٹی کو ساتھ ملا کر حکومت مخالف تحریک جو ہے اس کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے، اور اس موومنٹ کا آغاز 5 فروری کو ہوگا، یوم یکجہتی کشمیر سے کیا جائے گا۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت کس طرح سے اپنے ایلائز کو اپنے ساتھ لے کر آگے ڈپلومیٹکلی چلتی ہوئی نظر آئے گی یا اگریسو موڈ میں آگے بڑھتی نظر آئے گی، آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، سی آل نیکسٹ ویک۔ انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔